अब ये रिश्तेदारी अगर बिगड़ चुकी है तो उसको हील करने का रीज़न, उसको हील कैसे किया जाता है, एक लंबा टॉपिक है, पर उसके बारे में एक दो पॉइंट ही मैं बताता हूँ और मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। अगर हमारे रिश्तेदारी में दरार आ चुकी है तो उसको हम हील कैसा करें। पहली बात ये करना चाहिए कि जो पास्ट गुजर चुका है उसको हम रिकंसाइल करते टाइम, रिश्ता फिर से जोड़ते टाइम उसको बीच में न लाएं। जो भी पास्ट में गुजर चुका है उसको कूड़ेदान नहीं, अब हम उसको पॉजिटिव वे से देखना शुरू कर दें। ठीक है, आज तक जो हो चुका वो हो चुका, मगर आज के बाद हमारे संबंध, हमारे थॉट्स एक दूसरे के लिए अच्छे रहेंगे, अच्छे साबित हो जाएंगे, ये समझना चाहिए। दूसरी बात कि हम जो कुछ हमारा झगड़ा है वो किसी और को नहीं बताना चाहिए, जो कुछ हमारा झगड़ा है वो किसी और को डिस्कस नहीं करना चाहिए, उससे रिश्ते में और दरार पैदा हो जाती है। और तीसरी बात कहकर मैं बंद कर देता हूँ इंशाल्लाह, कि हम समझते हैं कि जब सामने वाला मेरे बारे में अच्छा सोचने लगेगा तब मैं अच्छा सोचना शुरू कर दूंगा। यह हमेशा हमारी समझ होती है, हमको चाहिए, यह हमारी समझ बन चुकी है। इसको क्या कहते हैं कि जब वो भले कैसे भी सोचे, हम जब किसी के बारे में जिसके साथ हमारी दुश्मनी है, इदफा बिल्लती ही आहसन, कुरान ने कहा कि तुम बुराई को बुराई से नहीं टाल सकते, हसन तरीके से टाल सकते हो। बुराई का जवाब हम अगर भलाई से देंगे तो देखो फैजल लजी बैन को बैन अदावत कान न हो वली हमीम, कि देखो फिर क्या होता है कि जो तुम्हारे और उसके दरमियान दुश्मनी थी वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाता है। हम बुराई से बुराई को टालना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है, कुरान को फॉलो करना चाहिए हमको। इतफा बिल्लती ही आहसन, उससे जो अच्छा हो, आहसन उसको कहते हैं जो सबसे बेहतरीन हो, जैसा अकबर सबसे बड़ा, असगर सबसे छोटा, जहाँ पे अलीफ आ जाता है वहाँ पे सबसे बड़ा छोटा। तो हमको किसी के बारे में यानी उसी के बारे में किसी और से बातें नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ जो कुरान की आयत याद आ गई कि रिएक्शन, और जो मैंने बोला ना सिचुएशन और रिजल्ट, इसके बारे में कुरान क्या कहता है वो भी मैं आपको बता दूं। कुरान ये कहता है फारिद अनहुम, उनसे मुंह मोड़ लो, फारिद अनहुम, तवक्कल अलल्लाही व कफा बिल्लाही वकीला, यानी अगर झगड़ा हो रहा है कहीं पे तो रिएक्ट नहीं करो। यहाँ पे कहने का मतलब है फारिद अनहुम, उनसे मुंह मोड़ लो, उनसे एराज कर लो, रिएक्ट नहीं करो, और अल्लाह पे भरोसा रखो और अल्लाह काफ़ी है कारसाज। दूसरा एक बात बता दी कुरान ने कि उनको माफ़ कर दो, उनको माफ़ कर दो, अल्लाह तुहिब्बुना अन यग़फिर अल्लाहु लकुम, ये कुरान का फरमान है। वलियाफू वलियस्फहू, यानी चाहिए कि तुम उसको दरगुजर करो और चाहिए कि तुम उसको माफ़ करो। अब यहाँ पे याफू भी इस्तेमाल किया है और सफ़ा भी इस्तेमाल किया है। अब ये सफ़ा यानी क्या होता है कि इस तरीके से माफ़ करो कि उसके बारे में दिल में कुछ खलिश ना रहे, उसको कहते हैं सफ़ा। और अफा, अफू, अफू यानी दरगुजर करना, उसको बोल के दरगुजर करना कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ। और सफ़ा यानी उसको बोलना भी नहीं और अपने दिल में भी कुछ नहीं रखना, उसको कहते हैं सफ़ा। तो ये वल याफ़ो वल यस्फ़हो, उसको माफ़ कर दो, अल्लाह तो हिब्बुन आयफ़िर अल्लाम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारा रब तुम्हें माफ़ कर दे। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर दे तो तुम्हें सामने वाले को माफ़ करना चाहिए। बाइबल में भी यही चीज़ सेम बता दी कि अगर तुम चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट दैट द गॉड शुड फॉरगिव यू, यू शुड फॉरगिव अदर्स। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी हदाना लिहाज़ा मा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया रहेगा, सिर्फ पसंद आके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, दिल में उतरी हुई बात। वो कुल लहुम फ़ी अनफुसिहिम कौलन बलीगा, एक और याद आ गई आयत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ़ारिद अनहुम, रिएक्शन के बारे में बताया कुरान ने, फ़ारिद अनहुम, उनसे मुँह मोड़ लो। व इज़ हुम, उनको अच्छी बातें बता दो, उनको अच्छी नसीहत कर लो। वो कुल लहुम फ़ी अनफुसिहिम कौलन बलीगा, उनको ऐसी बात करो, उनसे ऐसी बात करो कि उनके दिल में उतर जाए, ऐसी बात करो।
वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।